हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के तीन लेक्चर कर लिए हैं, इसके बाद यहाँ पर जो है चौथा लेक्चर देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बात की थी डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की, है ना। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ा था वहां पे। तो आज यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव में डिफरेंस। क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड, हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। तो चार से पांच डिफरेंस यहां पर इसमें पढ़ेंगे, तो एक एक करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बनती है। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर, जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर अगर आपकी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर को, ठीक है, इस तरीके से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां होगा, इस तरीके से होगा, ये है ना, ये। तो कहने का मतलब कि इट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर बोल लो ऑल टू द डायरेक्शन ऑफ और टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जहां से निकल रही है, मतलब है ना, जहां को क्या है, निकल रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है, चलने की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो वेव चल रही है। तो वहां पर क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, या फिर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या, चलने की दिशा, जहां से क्या है, जहां पर वो चल रही, संचरण बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, संचरण। तो पहला पॉइंट नोट करो, जो मैटर वेव होती है, मैटर वेव को मतलब नहीं होता है किससे, ना ही तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की ना ही मैग्नेटिक फील्ड की। ये एसोसिएटेड रहते हैं किससे, मैटर से। इट इज एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स, यानी कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बनती है। ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस किस से मिलकर बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये किसी पर्टिकुलर सोर्स से निकलती है और पर्टिकुलर सोर्स से निकल के क्या करती है, स्प्रेड होती है। तो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेकंड पॉइंट डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड इनटू स्पेस और एमिटेड
यानी कि पर्टिकुलर सोर्स से निकल करके क्या होती है, फैलती है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने 11th में पढ़ी है, एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, है ना, ये सब क्या है EMW में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। लेकिन जो हमारा मैटर वेव्स होता है उसमें ना ही ये क्या है, ना ही रेडिएटेड होंगी और ना ही एमिट होंगी। अगला पॉइंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए यानी कि संचरण के लिए या प्रोपोगेशन के लिए क्या है, किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। थर्ड पॉइंट नोट करो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, है ना, ठीक है। इट कैन ट्रेवल अंडर वैक्यूम कंडीशन, यानी कि वैक्यूम कंडीशन में भी क्या है ये वेव ट्रेवल कर सकते हैं, अंडर वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम कंडीशन। बट जो हमारी मैटर वेव होती है, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर चलने के लिए क्या चाहिए होगा, यहां पर मीडियम चाहिए होगा। यहां पर क्या आएगा, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि चलने के लिए क्या है, यहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है यहां पर, है ना। तो ये तीन पॉइंट नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है कोई भी मीडियम हो। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट है, वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल, वेलोसिटी इक्वल। और कितनी होती है, वेलोसिटी होती है सी से डिनोट करते हैं जिसको, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट यहां पर क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिफरेंट। तो फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेवलेंथ का है। तो वेवलेंथ क्या होती है, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लार्जर होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ लार्जर। और जो वेवलेंथ की वैल्यू हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, 4 लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन न्यू। न्यू क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। सी क्या है, यहां पर वेलोसिटी है। बट यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट है, वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ यहां पर जो है जो हम काउंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू। तो फोर लैम्डा वी हैव डी ब्रोगली इक्वेशन। तो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। इस फॉर्मूले के उससे क्या हेल्प से हम यहां पर क्या निकालते हैं, लैम्डा निकालते हैं। तो इस तरीके से यहां पर क्या थे, डिफरेंस थे किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बीच में। तो इसको नोट कर लो। तो इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन की, यानी कि डी ब्रोगली इक्वेशन की जो सिग्निफिकेंस है। तो हमें पता है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास जितने भी मटेरियल पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वेव नेचर भी शो करते हैं। तो यहां पर डी ब्रोगली ने क्या किया, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया और एक क्या लिया, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो हेडिंग डालो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहां पर क्या करेंगे,
एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेंगे और एक क्या लेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। उसके लिए क्या काउंट करेंगे हम, लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, है ना। तो मैक्रोस्कोपिक में जैसे हम क्या ले लेते हैं, एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक में क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक क्या लिया हमने, क्रिकेट बॉल ली, क्या लिया, क्रिकेट बॉल। तो इसके लिए हमने काउंट क्या करना है, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमबी की हेल्प से क्या काउंट करना है, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे यहां पर। तो यहां पर मान लो मास है इसका 10 ग्राम है इस बॉल का, है ना, और जो यहां पर मास आएगा वो कितना आएगा, 9.1 × 10⁻³ kg, है ना। तो ये इतना आ गया। इसके बाद यहां पर देखो H पता है हमें, H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 6.626 × 10⁻³ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर जूल सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, V का मान चाहिए, V की वैल्यू चाहिए। तो V की वैल्यू यहां पर मानी 10⁶ मीटर पर सेकंड, यहां पर भी मानी 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो अब हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं यानी कि वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 × 10⁻³ केजी मीटर स्क्वायर अप सेकंड इनवर्स अपॉन एम कितना है, 10 ग्राम। इसे 10 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में करना है। तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 10/1000 यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻³ केजी। तो 10 × 10⁻³ केजी हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, यहां पर एम की वैल्यू हो गया, वी कितना है, 10⁶ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.626 × 10⁻³ केजी से केजी कटा, एक मीटर से एक मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, कितना बचा, मीटर बचा है। अब यहां पर देखो ये 6 में से ये हो जाएगा, 6 में से 3 × 3 = 4 हुआ, 6.626 × 10⁻³, ये ऊपर आएगा, किसमें आ जाएगा, ये पावर में, पावर अपॉन में किसमें है, प्लस में, तो ये किसमें आ जाएगी, माइनस में, और मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6.626 × 10⁻³ मीटर, किसके लिए, क्रिकेट बॉल के लिए आई। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यहां पर क्या है, ये वैल्यू है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.626 × 10⁻³ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड अपॉन एम कितना है, 9.1 × 10⁻³ केजी × 10⁶ मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड, 1 मीटर से मीटर, और केजी से केजी। तो यहां पर लैम्डा आ जाएगा 6.626 × 9.1 × 10⁻³, ऊपर आ जाएगी पावर, ये प्लस में हो जाएगा, ये -6।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.9.1 का अगर भाग देंगे हम किसमें, डिवाइड करेंगे 6.26 को किससे, 9.1 से, तो ये आता है 0.728। तो -34 -6 कितना हुआ, 40 में से 31 घटा, 10^-9 हुआ और ये क्या आ जाएगा मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 7.28 × 10^-10 मीटर। तो अब देखो यहां पर ये किसके इक्वल है, इसका लगभग अप्रोक्स है ये किसके, एक्सरे के। तो यानी कि यहां पर क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, उसकी वेवलेंथ क्या हम यहां पर मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो कि जो ये वैल्यू है ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, 10^-38 है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेवलेंथ के हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहां पर, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहां पर ये सिग्निफिकेंस है किसका, डी ब्रोगली इक्वेशन का। ये वैल्यू हमने निकाली, एक हमने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल रखा, एक क्या रखा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो वैल्यू आ रही है वो अप्रोक्स किसके आ रही है, जितनी एक्सरेज की होती है, ठीक है, एक्सरे की क्या होती है, वेवलेंथ होती है, और उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो यहां पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमने क्रिकेट बॉल ली है उसकी क्या है यहां पर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक बहुत कम वैल्यू आ रही है, बहुत छोटा वैल्यू है ये, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या है, जो ये फॉर्मूला है किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो इतना नोट डाउन कर लो।